भाई सुबह सुबह लफड़ा हो गया चेंबूर में। चार पांच ऑटो को मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि भाई ऑनलाइन हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पे ओनली कैश। तो एक चाचा मिले, उन्होंने बोला ठीक है मेरे पास है ऑनलाइन, चलो जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वेगा इलेक्ट्रॉनिक्स चेंबूर में, वहाँ पे सोनी का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। तो वहाँ पे मुझे कैमरा सर्विस कराना है और सेंसर का इशू है वो सॉल्व कराना है। यहाँ पे लग गई है ट्रॉफिक, तो मैं ऑटो से उतर गया हूँ और यहीं पे पास में ही है, गूगल मैप पे मैंने चेक किया, वेगा इलेक्ट्रॉनिक्स आधा किलोमीटर दूरी है, तो मैं चलते ही निकल जाता हूँ। पहुँच गया वेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सोनी ऑथोराइज सेंटर, ये सामने रहा। कैमरा वहाँ पे सर्विस सेंटर में जमा किया है, आज शाम तक बोले है कॉल करके बताता हूँ कब तक कैमरा सर्विस होगा। तो मैंने बोला ठीक है आप बता दो, मैं शाम तक मुंबई में ही हूँ तो वो हिसाब से मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, या फिर कल अगर होता है तो करो, कोई गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं शाम तक आपको बताता हूँ कन्फर्म कब तक हो जाएगा कैमरा सर्विस। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ बीकेसी में इसलिए जाना है, मैं लास्ट कंपनी में वर्क करता था तो वहाँ पे मैंने रिजाइन कर दिया है और अभी चेक आया है जो फुल एंड फाइनल होता है ना, जो कुछ बचा हुआ लीव्स के रिगार्डिंग ये वो सब। तो ओवरऑल टोटल जो अमाउंट है उसका चेक आया है, तो एक हफ्ते पहले आया था कि आपका चेक हो गया है रेडी, आप आ जाओ लेने के लिए। सिर्फ चेक लेने जाने के लिए पूरा दिन जाएगा, इसलिए कुछ काम रहेगा वो हिसाब से मैं प्लानिंग किया था। तो चेंबूर में सर्विस करने के लिए कैमरा दे दिया हूँ, अभी जा रहा हूँ चेक लेने के लिए बीकेसी में। तो अभी मैं आया हूँ कुर्ला वेस्ट से ईस्ट में, यहाँ से मैं जा रहा हूँ बीकेसी। तो यहाँ पे पहले था 20 रुपीज पर सीट शेयरिंग में, अभी यहाँ पे 30 रुपीज हो गई है। तो मैंने उनको वही बोला भाई 20 रुपये थे, अभी 30 कैसे गया इतना, नहीं बोलते 30 ही होगा क्या। आप देख सकते हो किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक कर रही है कि हेलमेट पहनो बाइक राइड करते टाइम, अपनी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है वो लोग बता रहे। और कुछ लोग रहते हैं जो विदाउट हेलमेट राइड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सेफ राइड करना है सेफ्टी में हेलमेट पहन के। अभी मैं पहुंच गया हूं पनवेल स्टेशन और आपको पनवेल स्टेशन का अभी एक कुछ महीने से एक नज़ारा दिखाता हूं। ये देखो गाइस, ये पूरा ऑटो से भरता हुआ रहता है ये एरिया। अभी यहाँ से सब ऑटो हटाया है और अभी सब ऑटो बाहर दिया है उनको जगह। ये एक अच्छा काम किया है पनवेल महानगर पालिका ने और पनवेल स्टेशन पुलिस डिपार्टमेंट में। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स सोनी ऑथोराइज सेंटर में, ये है चेंबूर में।
कुर्ला से भी पास पड़ेगा। यहाँ का सर्विस बहुत ही स्पीड है। मैंने परसों यहाँ पे कैमरा देखे गया था, लेकिन कल ही कैमरा हो गया था। उन्होंने कल मुझे बुलाए थे, लेकिन मेरे कुछ काम की वजह से कल मैं आ नहीं पाया, तो आज मैं आया हूँ। और ही इसका सेंसर का प्रॉब्लम था, तो वो सॉल्व हो गया और उन्होंने क्लीनिंग करके भी दिया है बॉडी एकदम परफेक्टली। भाई कुछ हुआ इशू तो मैं लेके आता हूँ बॉडी 15 को, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको फोन करके बता देता हूँ वैसे क्या है। और आप वैसे, तो, वैसे तो सर 50% चांस होने का है बोलने जो आपने किया उसमें काम करना। 50% चांस है और 50% उसमें प्रॉब्लम आ भी सकता है। तो आप अपना शूट कंप्लीट करके मेरे को चलेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। बने बस चालू हुआ। बने बस तो गाइस इनको पहचानते हो गया आप? गाइस इनको जानते हैं ना आप? जो अपना इको है ना किडनैप वाली कार, इनकी है वो। तो मैं आपको बोलता हूँ ना, हर बार जीजा के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो यही वो बंदा है। सबसे स्पेशल है। गाइस ये मेरे को होटल में लाया लाया काटने के लिए, मतलब केक काटेगा मालूम है, ये बिल कुछ भरने वाला नहीं है, सबसे बंद कंजूस बंदा है। आज हम आए हैं पूरे फैमिली वागेश्वरी ढाबा लोधीवी में। तो आज है मेरी सिस्टर का बर्थडे, तो हम आए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि उसका है ये साल लास्ट हमारे फैमिली में, उसका मई महीने में शादी है। और आपने देखा होगा लास्ट ही मंथ में उनका एंगेजमेंट हुआ है, तो सबने सोचा कि हम आते हैं बाहर और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमारा लंच हो गया है, सॉरी डिनर अभी हमारा हो गया है, अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब तक ये सारे फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भारती, हैप्पी बर्थडे टू यू। Bye guys, bye guys, bye guys. Bye.